जमानत जब्त हो जाओ, जमानत जब्त की परवाह नहीं, मेरे को तो जनता की परवाह है, जमानत जनता की नहीं होनी चाहिए, वो मेरी जैसे 10 वर्ग हो जाओ जमानत। राष्ट्रपति के इलेक्शन में मजा आ गया, बाकी ये सांसद सुनसद है ना विधायक, तो इसमें कोई मजा नहीं। 23 तारीख को नरेंद्र मोदी जयपुर पाली में आएंगे, अब मेरी जनसभा बाड़ा में 23 तारीख को, मेरी जनसभा में नरेंद्र मोदी से ज्यादा आदमी होंगे मेरी जनसभा के, मेरा जब तक जीऊंगा जब तक मेरे चुनाव लड़ने का सिलसिला जाएगा। मेरा परिवार का साथ, मेरे परिवार मेरे से दुखी है, क्यों दुखी है कि मैं घर के आग लगाता हूँ अपने के। अब मैं क्या कहता हूँ, बिना जाए वोट लूंगा, बिना तुम्हारे आए एक टेलीफोन पे काम करूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन आज हम एक ऐसे उम्मीदवार से मिलाएंगे जो नगर पालिका के वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं और अब लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उतरे हुए हैं। और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा भीड़ ये अपनी जनसभा के अंदर जुटाएंगे, इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपको राजनीति में क्यों आना पड़ा? मेरे को राजनीति में आना, पहले जो मेरे फादर थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मेरे को झूठ खाई हुई है, इसलिए उनकी आदत मेरे साथ आएगी। तो अब आपके स्टार प्रचारक कौन है, क्या स्टार प्रचारक? मेरा मुद्दा ये है कि मैं महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर किसी ने कुछ नहीं किया, सब जितने भी पैसे आते हैं सब जो है पेट में जाते हैं उन लोगों के। आपने एक पार्टी भी बनाई थी? मैंने निस्वार से वो पार्टी 2001 में रजिस्टर करवाई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष था उस पार्टी का मैं फिर बाद में जो है ना बीमार पड़ गया, तो मैंने सुंदरलाल चौरसिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और 60 लाख रुपये दिए, पार्टी के थे वो, और फिर बाद में उसने जो है ना कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर मोदी जी ने जो है ना वो मेरी मान्यता पार्टी की खत्म कर दी 2023 में। मोदी जी ने क्यों कर दी? मोदी जी ने नू कर दी कि 47 गाने मोदी जी के खिलाफ भर रखे थे मैंने, उसके खिलाफ और तो कुछ मिला नहीं मेरे पास, तो मोदी जी को यही चारा मिला कि भाई 47 गाने जो है ना मोदी जी को मिला या और किसी को मिला, तो इस बेस पे जो है उन्होंने 47 गाने उन्होंने जो है ना पार्टी की मान्यता खत्म कर दी, निस्वार्थ सेवा पार्टी मेरा वो था। कितने चुनाव लड़ चुके अब तक? चुनाव चिन्ह में 2, 4, 5 पांच में राष्ट्रपति से लेके और विधायक सांसद और जो है पार्षद ये चुनाव लड़ चुके हैं। राष्ट्रपति के कितने बार चुनाव? राष्ट्रपति के 2 बार लड़ चुके, के नारायण था जिस टाइम लड़ा था, अब उम्र वो है उसके सामने जो है ना मैंने उसको समर्थन दे के आया हूँ राष्ट्रपति के इलेक्शन। तो आपको जब फार्म भरा तो किस तरह का माहौल था? जब माहौल मेरे को राष्ट्रपति के इलेक्शन में मजा आ गया, बाकी ये सांसद सुनसद है ना विधायक, तो इसमें कोई मजा नहीं, इतनी परेशानी है विधायक, यहाँ का जो स्टाफ है डीसी स्टाफ है इतना बढ़िया है और पुलिस प्रशासन इतना गंदा है महेंद्रगढ़ जिले का, वो तो सिर्फ अपनी जो है ना वो चाहते हैं, सिर्फ अपनी आजादी चाहते हैं, वो लोग काम ही नहीं करते बिल्कुल। तो कोई सुरक्षा दी गई राष्ट्रपति का? सुरक्षा जो है ना मैं राष्ट्रपति के 20 जेड सुरक्षा, 10 मेरे घर वाले को और 10 मेरे को दे रखी थी और 5 गाड़ी दे रखी थी। कैसे मिलेगा मेरे को उसमें टाइम? मुझे हेमा मालिनी से मैं मिलने गया मथुरा, तो हेमा मालिनी 62 में हमारे पास काम करती थी, मैं राज कपूर का प्रोड्यूसर था बम्बई में, और मैं जो है ना वहाँ बम्बई के अंदर राज कपूर की प्रोड्यूसरी जब छोड़ के आया, जब मेरे को जो मैं 5 साल तक होटल जो है वहाँ और रेस्टोरेंट चला रहे थे और वहाँ गंदा काम होता था, इसलिए मैंने 5 साल जो है ना मुंबई में बंद करवाए होटल, इसलिए मेरे को भागना पड़ा, गुंडा मेरे गोली निकालती थी अंदर से, जब मैं भाग के निकला उनके डर की वजह से कभी मार ना दी। राजनीति में क्यों आए? मैं राजनीति में नू आया कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा कि बेटा डरना मत, वो नू कहते जहाँ भी दफ्तर में जाते थे डांट मार के काम करवाते थे, प्रशासन इतना गंदा था जिस टाइम, और आज भी वही प्रशासन है जो यहाँ नारनौल के अंदर जिसकी चाप है, वो इतना बढ़िया आ रहा है, इतना प्यार से बोलते हैं, इतना प्यार से काम करवाते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, इतना सेव करते हैं, अभी मेरे को सिक्योरिटी गार्ड दे रखा, वो बीमार था बेचारा, उसको मेरे पास भेज दिया, मैं भिवानी में जहाँ गया पब्लिक के पास और भिवानी में गया जब पब्लिक के पास तो वो चक्कर खा के ज़मीन में गिर गया, तो मैंने उससे पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, बोलो बेटा क्या बात है, उन्होंने कहा जी मेरे पीलिया है और जो मैं मेरी तबीयत खराब है, मैं काम आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, और मैं उनको ये कहा कि बेटा घबरा मत, मैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए दूसरी चीज दिखा देती हूँ। तो अब की बार जो आपका चुनाव है इसमें किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे आप? मेरे मुद्दे ये है कि मजबूरी लोगों की और जो ना बिजली पानी और जो ये
जो जितनी भी सेवा है पब्लिक की वो सेवा मैं करूँगा, चाहे तन हो चाहे धन हो चाहे मन हो, उससे मैं सेवा करूँगा पब्लिक। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार के विकास कार्य होंगे? मैं बिजली है, पानी है, जमींदारों की जो फसल है वो मैं हैपट की मार्फत जो पंचायत की मार्फत बिकवाऊंगा, और पंचायत जो है ना, पंचायत के 2% दो फायदे हैं, पंचायत को 2% टैक्स मिलेगा और वो टैक्स जो है ना गाँव में लगेगा, उससे तरक्की होगी गाँव की। शहर की सड़कें बड़ी खराब है महेंद्रगढ़। शहर की सड़कें तो इनकी वजह से, इतना रुपया जितना नगर पालिका में है वो कहीं भी नहीं है। महेंद्रगढ़ की नगर पालिका इतनी गंदी है, सब रुपया ये खा जाते हैं और काम करते नहीं बिल्कुल। आप उन पे किस तरह का काम करेंगे? मैंने ये जवाब दिया उनको कई बार, मैं जा चुका कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ना रामविलास के पास जवाब है, ना दान सिंह के पास जवाब है, किसी के पास भी नहीं है। विधायक वैसे मरा पड़ा है और जो ना ये सांसद वैसे मरा पड़ा है, और मोदी जी ये कहते हैं मैंने बहुत विकास करवाया, और कोई विकास नहीं है मोदी के टाइम। विकास खाली विकास से पेट थोड़ी बढ़ेगा, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो कम करे जब भी तो पेट भरेगा जनता का, और जब ये ख़त्म ही नहीं होगी महंगाई बेरोजगारी तो वहाँ से लोगों का पेट भरेगा। चुनाव लड़ने का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मेरा जब तक जीऊँगा जब तक मेरे चुनाव लड़ने का सिलसिला रहेगा। जब तक लड़ते रहोगे? हाँ, जब तक। किस प्रकार का साथ मिलता है? मेरा परिवार का साथ, मेरे परिवार मेरे से दुखी है। क्यों दुखी है? कि मैं घर के आग लगाता हूँ अपने के। मैं ये कहता हूँ कि जनता से मैंने कमाए पैसे और जनता में लगा दिया तो कोई गुनाह नहीं है। मैं जनता में ही पैसे लगा के मरूंगा और जनता से कमाए पैसे वो लोगों की सेवा करूंगा। कौन कौन है परिवार में? मेरे परिवार में तो अब तो मेरी मिसिज है, मेरे जो है ना बच्चे हैं, मेरे तो एक पोता है एक पोती है और एक लड़का है मेरे परिवार के अंदर। वैसे 3 लड़की थी और एक लड़का है मेरे परिवार के अंदर। अब है जो है ना मेरे घर में 3 की शादी कर दी लड़कियों की, अब एक लड़का है वो भी शादी समेत है, उसके एक लड़का है और एक लड़की है। प्रचार के अंदर परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा? प्रचार के अंदर पब्लिक तो मैं, परिवार तो मेरे साथ ही नहीं है ना, बता तो रहा हूँ। परिवार क्यों साथ नहीं है कि मैं अपने घर के आग लगा रहा हूँ? वो कहते हैं कि भाई गोल साहब तो अपने घर के नेता लोग तो कमाते हैं और तू ठगा रहा है। तो मैं नू कहता हूँ मैं कमाई ऐसी नहीं करता जो मेरे को सिद्ध है। आज 70 साल की उम्र हो गई, मेरी कभी आंख नहीं दुखी कभी आज तक भी, और मैं जब तक सुबह से शाम तक भाषण नहीं देता हूँ जब तक मेरे को नींद नहीं आती। अच्छा, नींद नहीं आती? और चुनाव अगर चुनाव होते हैं फार्म नहीं भरते तो भी नींद नहीं आती? नहीं, मैं बोलता हूँ, सारे दिन बोलता रहता हूँ पब्लिक की सेवा के लिए। कोई भी हर दफ्तरों के अंदर जाता हूँ, DC है, IGM है, कमिश्नर है, चंडीगढ़ ये मुख्यमंत्री है, अभी मुख्यमंत्री की जो है ना जनसभा हुई थी सब्जी मंडी के अंदर, 500 आदमी नहीं थे, 500 आदमी, और उन सब्जी मंडी वाले को 3 दिन पहले इतना परेशान कर दिया था, कोई पीठ पे बोरी ढो रहा था, कोई रेडी पे बोर, उस धर्मवीर को इतनी गाली बकी है मंडी वाले जो देखे जगह। तो आपकी चुनावी जनसभा कैसी रहने वाली है? मेरी जनसभा जो है ना इतनी बढ़िया जनसभा है, 60-70 हज़ार आदमी मेरी जनसभा में इकट्ठे होते हैं। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, टक्कर दे पाएंगे? नहीं, 23 तारीख को नरेंद्र मोदी जयपुर पाली में आएंगे, अब मेरी जनसभा बाड़ा में है 23 तारीख को। मेरी जनसभा में नरेंद्र मोदी से ज्यादा आदमी होंगे मेरी जनसभा के, ये वादा करता हूँ। मेरे अनुराधा पौडवाल एंड पार्टी आ रही है भाई 23 तारीख को। इससे पहले भी कोई रैली? हाँ, इससे पहले मैंने रैली नहीं करी है कोई भी। 22 तारीख को महेंद्रगढ़ में है और 23 तारीख को जो है ना बाड़ा में है सदनाले के पास। तो जमानत भी जब्त हो गई थी कई बार? नहीं, जमानत जब्त हो जाओ, जमानत जब्त की परवाह नहीं, मेरे को तो जनता की परवाह है, जमानत जनता की नहीं होनी चाहिए। वो मेरी जो 10 बार का हो जाओ जमानत, जमानत जब्त मैं उसकी परवाह नहीं करता कोई। लोगों के बीच सारे लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं मैं आपको वोट दूंगा, आपको दूंगा, शाबाशी देते मेरे गाँव में आओ, मेरे गांव में आओ। तो मैं, मेरे पास इतना टाइम अब नहीं है, अब मैं क्या कहता हूँ, बिना जाए वोट लूंगा, बिना तुम्हारे आए एक टेलीफोन पे काम करूँगा। अच्छा, बिना जाए वोट लेंगे? बिना जाए गांव में वोट लूंगा, जनता का एक टेलीफोन पे आएगा तो काम करूँगा। तो क्या आपकी बार आपको लगता है कि लोग निर्दलीय पे भरोसा जताएंगे? नहीं, मैं मेरे पर नहीं, हर जगह जो कानून से चल रही है सब निर्दलीय को वोट देंगे, पार्टी वालों को ना। तो पार्टी वाले ने किसी ने काम किया आज तक भी, इतने जो है ना धर्मवीर आ चुका 25 साल तक और जो है ना रामविलास 25 साल तक आ चुका, शिक्षा मंत्री बन चुका, और जो है ना 20 साल जो है ना दान सिंह आ चुका, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी आज तक भी काम नहीं किया।
तो अब की बार आप इसलिए चुनावी मैदान में कि काम नहीं हो पाया? हाँ जी, मैं इसलिए मेरा जो है ना आंखों के अंदर जो है ना मेरे आंखों के अंदर जो पानी भर जाता है, ये भी शहर को देखता हूँ मैं, तो मैं शहर से जब निकलता हूँ तो मेरा आंखों में पानी भर जाता है। तो लगातार ही सफर जारी है? हाँ जी, मैं खुद तो अपने आदमी लगा के काम करवाता हूँ जो मेरे लायक होता है 25 पैसे में, और कुछ गवर्नमेंट से भीख मांगता हूँ, फिर भी भीख जो है ना देते हैं तो ये ऊपर वाले खा जाते हैं। इतना पढ़ा लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा तो मेरा क्या है, मैं बीए पढ़ा लिखा हूँ, प्राइमरी बताता हूँ अपने आप को। प्राइमरी क्यों बताते हैं? प्राइमरी नंबर लाता हूँ। आजकल जो बीए की जो पढ़ाई है पहले की, और आजकल जो है ना प्राइमरी की, आजकल बीए की पढ़ाई है वो पहले की प्राइमरी जैसी है। पहले वाले जो प्राइमरी पढ़े लिखे वो बीए की तरक्की करते हैं। तो 22 की महेंद्रगढ़ में जनसभा, 22 में देवीलाल पारक है, अनुराधा पोडवाल आएगी, और जो है ना घने कलाकार आएंगे, जो हमारी रागनी कंप्यूटर जो है ना कलाकार स्टार प्रचारक, कलाकारी स्टार प्रचारक है। मेरा अलमारी का चुनाव चिन्ह है, और मैं उसके अलमारी के ऊपर मैं पब्लिक को ये कहता हूँ कि भाई तुम मेरी वोटों से भर दो, मैं तुम्हारे नोटों से भर दूंगा। नोटों से कैसे समझे नहीं, अलमारी में नोट डालूंगा, चजूरी की चाली उनके पास ही होगी। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश गोयल जी, जिन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अपना जो नामांकन दाखिल किया है, और 25 मई को मतदान होना, इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान के अंदर उतने हैं, और अब देखना होगा कि कितना लोगों को इनका जन समर्थन मिल पाता है। अक्षय यादव, हरियाणा 24 अपडेट, महेंद्रगढ़।